आज हम बनाएंगे तली के साथ एक ऐसी इनोवेटिव रेसिपी जो पूरी तरीके से हेल्दी है और न्यूट्रिशियस है, इंस्टेंट बन भी जाती है और सबसे बढ़िया बात कि आज हम इसको एक डिफरेंट फ्लेवर के साथ तैयार करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर हल्का गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और सबसे पहले 1 टेबलस्पून ये कच्ची मूंगफली है इसको हम डाल देंगे। हम मूंगफली को जब तक फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से अच्छे से खुशबू ना आने लगे। ये देखिए जो मूंगफली है उसका कलर चेंज होने लगा है और इसमें आप देखिए अगर ध्यान से तो मूंगफली में ना क्रैक्स भी आने लगे हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। ऑयल हमारा बहुत तेज गर्म है, गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो करेंगे और स्लो फ्लेम पर हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून राई, 10 से 12 करी पत्ते, 1 हरी मिर्ची और साथ ही 1 टेबलस्पून चने की दाल जिसको हमने 15 मिनट के लिए भिगोकर रखा था। चने की दाल को डालकर हम इसको जब तक भूनेंगे जब तक कि चने की दाल थोड़ी सी क्रिस्प ना हो जाए। चने की दाल का जो टेस्ट है और ये जो हमने इसके अंदर छौंका लगाया है ना राई का और करी पत्ते का, इसका बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी आता है। दलिए की सॉफ्टनेस के साथ ये जो चने की दाल की जो क्रंचीनेस है ना वो बहुत अच्छी लगती है। ये चने की दाल जो हम प्रोसेस जो करना है ना वो स्लो फ्लेम पर कीजिएगा जिससे कि चने की दाल अंदर तक क्रिस्प हो जाएगी। ये देखिए चने की दाल हमारी हल्की हल्की ब्राउन हो गई है और ये क्रिस्प भी हो गई है। अब हम डालेंगे इसके अंदर एक मीडियम साइज प्याज जिसको हमने लंबा और पतला पतला काट लिया है। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे ये 2 से 3 बीन्स हैं, शिमला मिर्ची, एक छोटी सी शिमला मिर्ची है। इन सबको डालकर हम हल्के हल्के से भून लेंगे और गैस की फ्लेम को अब हम फुल करेंगे। सब्जियां हमारी हल्के हल्के से कुक हो गई हैं। हमने सब्जियों को ना पूरा ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ी सी कच्ची पक्की रखना है जिससे कि जो इनका स्वाद है ना वो बहुत बढ़िया आएगा। अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये काली मिर्च का जो पाउडर है ना वो हमने कोस के ग्राइंड किया हुआ है, मिक्स कर देंगे और साथ ही थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी भी डालेंगे। हल्दी हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स करना है और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप रोस्टेड दलिया को भी इसके साथ भून लेंगे। अगर आपको दलिया रोस्टेड ना मिले तो आप स्लो फ्लेम पर, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दलिया को जब तक भूनिएगा जब तक कि उसका कलर चेंज ना आ जाए और उसमें से अच्छे से खुशबू ना आने लगे। बिल्कुल फुल फ्लेम पर आप दलिया को कभी भी मत भूनिएगा, नहीं तो उससे जो टेस्ट है दलिया का वो खराब हो जाएगा। दलिया डालने के बाद हमने सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर 1 कप दलिया लिया था तो हम यहाँ पर 3 कप पानी डालेंगे। अब हम इसको स्लो फ्लेम पर लगभग 4 से 5 मिनट तक कवर कर देंगे और बीच में हम इसको एक बार चला लेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब लिड को उतार कर देख लेते हैं। ये देखिए अभी दलिए के अंदर पानी है तो अभी हम इसको दोबारा से कवर करेंगे और लगभग 3 से 4 मिनट तक इसको हम ऐसे ही पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए जो हमारा दलिया है वो अच्छे से कुक हो गया है, बिल्कुल खिला हुआ दलिया बना है। गैस को हम बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद हम इसके अंदर 1/2 नींबू का रस डालेंगे। नींबू डालने के बाद हम डालेंगे इसमें 4 टेबलस्पून फ्रेश कोकोनट। फ्रेश कोकोनट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और वैसे भी इतना रिफ्रेशिंग होता है ना ये गर्मियों में, तो इसको आप जरूर से ऐड कीजिएगा। और 2 टेबलस्पून है ये टमाटर के छोटे छोटे से चंक्स जिसके हमने सीड्स निकाल दिए थे और अब जो हमने ये पिनट्स जो हमने फ्राई की थी ये भी डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बात कि अगर आपको ये दलिया बिल्कुल खिला हुआ खाना है जैसे अभी हमने बनाया है तो आप पानी की क्वांटिटी को 3 कप रखिएगा। अगर आपको ये थोड़ा सा घुटा हुआ खाना है ना तो पानी की क्वांटिटी को आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गया हमारा
दलिया का हेल्दी नाश्ता। आप इसको बच्चों के टिफिन में डालकर, लंच बॉक्स में, या आपको कभी भी हेल्दी कुछ लाइट खाना हो तो आप इसको प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ये गेहूं का लाइट और हेल्दी ब्रेकफास्ट पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और साथ ही इसे टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।